हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना प्याज लहसुन के पंजाबी छोले। ना प्याज काटने की झंझट, ना ही लहसुन छीलने का झंझट, बहुत ही क्विक सी बन जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक क्विक सी रेसिपी को शुरू करते हैं। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम काबुली चना लिया है। ये मीडियम साइज़ वाले हैं, आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं। इसे आप कम से कम 6 से 7 घंटा ज़रूर भिगोएं। मैंने इसे रात भर भिगो लिया था और इसे मैंने 4 से 5 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे हम एक प्रेशर कुकर में डाल के इसे बॉईल करेंगे। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी लिया है। अब इसे इसके अंदर डाल देंगे। और 2 यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता लिया है, इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, अब इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे चाय पत्ती का पानी लिया है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपके पास टी बैग्स हो तो आप इसमें 2 टी बैग्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच चाय पत्ती को 1.5 ग्लास पानी में उबाल लिया था, तो यहाँ पे मैं 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ। और इसे डालने के बाद इसे इस तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ढक्कन हम लगा के इसे हाई फ्लेम पे 1 विसल लगाएंगे। और उसके बाद हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पका लिया है चने को, एक बार हम चेक कर लेंगे। तो इसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दें और इस तरह से हम चने को निकाल के एक बार चेक कर लेंगे। चना को हम एक बार उंगलियों से दबा के इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अगर आपका चना नहीं पका हो तो इसे आप 4 से 5 मिनट के लिए फिर से पका लें। अब हम बनाएंगे एक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर को काट लिया है। अब एक हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम टमाटर को डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक। तो लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम डालेंगे 15 से 20 काली मिर्च। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे और इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तो तेल को हम थोड़ा सा गरम होने देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब हम डालेंगे इसमें 2 तेज़पत्ता। और तेज़पत्ता डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी इलायची, 4 लौंग और छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ पे जावित्री लिया है। और इन सभी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को आप लो ही रखें और लो फ्लेम पे इसे आप थोड़ी देर के लिए भून लें। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हम तेल में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसे हम अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लेंगे लो फ्लेम पर, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच छोले मसाले और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारा पेस्ट जो हमने पहले बना के रखा था, टमाटर लाल मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट। तो इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को आप लो ही रखें। अब इसमें हम डालेंगे नमक। और नमक डालने के बाद, नमक हमने पहले भी डाला है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे नमक आप कम ही डालें। और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह से भून जाए मसाले के साथ। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर इसे चलाते हुए भून लें। और थोड़ी देर भूनने के बाद इसे हम ढक्कन लगा के भून लेंगे, जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल हमारा सेपरेट हो चुका है मसाले से। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारा चना, जिसे हमने बॉईल करके रखा हुआ है। तो पानी इसका आप साइड में रख दें और ये तेज़पत्ता और ये दालचीनी साइड में निकाल लें। और पानी को भी आप अलग से हटा लें। अब इसमें चना डाल दें। और चना डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें मसाले के साथ, ताकि मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए चने के ऊपर। और मिक्स करने के बाद इसे भी हम पकाएँगे थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के। तो यहाँ पे आप कम से कम 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकाएं।
5 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ रही है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे मसाले के साथ, और मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है। अब इसे इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो जो हमने चना को बॉईल किया था उसका ही पानी हम इसमें डालेंगे। पानी को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि पानी में बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, तो इसे आप फेंकें नहीं। और इस पानी को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालें, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डालें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल के चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद इसे हम ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ढक्कन लगा के। 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी में बॉईल आ रही है। तो अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। आप गैस को बंद कर सकते हैं और इसमें अदरक और हरी मिर्च डाल के इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा सा और थिक बना रही हूँ थोड़ी देर पका के। 2 मिनट मैंने पका लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही थिक हो चुकी है और साइड से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो इसे अब हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे स्लिट किए हुए हरी मिर्च और अदरक। तो इसे आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से छोले हमारे रेडी हुए हैं बनके। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। तो इसी तरह से आप बिना प्याज लहसुन के छोले बना सकते हैं नवरात्रि में। तो इसे अब हम सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, बनके तैयार है बिना प्याज लहसुन के छोले, और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसे मैं अब एक बोल में सर्व कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, अब इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर आई है छोले में। तो आपको विश्वास ही नहीं होगा ये बिना प्याज लहसुन की है, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। इसे आप रोटी के साथ, पराठा के साथ, या राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।